हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नवरात्रि स्पेशल आलू साबूदाना क्रिस्पी टिक्की। ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साबूदाना आलू टिक्की बनाने के लिए हमें बॉयल आलू चाहिए। मैंने आलू उबाल के रख लिए हैं। साबूदाना जो कि मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। मूंगफली के दाने, अदरक, हरी मिर्च, आलू साबूदाना टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम जो मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस ऑफ कर चुकी हूँ और इसको निकालूंगी। जब तक मूंगफली ड्राई रोस्ट हो रही थी मैंने जो उबले आलू थे उनको मैश करके रख दिया है। अब क्या करेंगे, इमाम मसाला लेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट अपनी मूंगफली करके रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। आप इसको दरदरा बिल्कुल दरदरा पीस लें। दरदरा कूट लिया मुझे, क्योंकि मुंह पे आए क्रंची सा फील हो तो मुझे पसंद है। अगर आपको बिल्कुल बारीक पसंद है तो आप बारीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे दरदरा पसंद है इसलिए मैंने दरदरा कर लिया है। अब इसे मैं अपने आलू के बैटर में डाल दूंगी। साथ ही साथ अदरक, हरी मिर्चें मैंने काट के रखी है वो डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें साबूदाना डाल दे रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार आप देख लीजिए। कम खाते हो तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल। आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ। धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। काली मिर्च डाल दे रही हूँ। अब इसको हम मिला लेंगे। अच्छे से मिला लीजिए कि हर जगह मसाला आपका पहुंच जाए। ये आलू का बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी। इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। अब रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ये अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक हमारी टिक्कियाँ नहीं तल पाएंगी इसमें। तब तक मीनवाइल, जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है हम यहाँ पे टिक्कियाँ बना लेते हैं। तब तक मीनवाइल हम
टिक्कियां बना लेते हैं छोटी छोटी। ये देखिए तो मेरा तेल गरम हो रहा है, मैंने यहाँ टिक्कियां बनानी शुरू कर दी है। आप ये देख सकते हैं हमारी आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अब तक तेल गरम हो रहा था, मैंने ये सारी टिक्कियां बना दी। जैसे तेल गरम होगा मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आलू को बैटर देख कर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो रिफाइंड है अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें टिक्कियां डालूंगी। सेम आंच कर दीजिए, फिर मीडियम कर दीजिए। ये अभी फुल है, मैं मीडियम कर दे रही हूँ कि जिससे ये अंदर तक पक सके। देख सकते हैं हमारे अच्छे से ये हो गई हैं, इनको मैं निकाल ले रही हूँ। कितनी क्रंची बनी है, तो इसमें मैं और डाल दे रही हूँ तलने के लिए। अगर आप इमली की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आई आइकन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी साबूदाना टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, ये देखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट द बेल आइकन टू सी मोर अमेजिंग वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।